मत भूलो। देख भाई प्लीज मुझे बचा ले। क्या? मुझे चक्की में आटा नहीं पीसना है। अरे प्लीज प्लीज कुछ करना अपुर। ए तुरे का बोलना, प्लीज करना कुछ। भैला मान जाने यार। हाँ ठीक है ठीक है, आने दो श्याम सुंदर चक्की वाले को। बता देंगे हम उसको कि हम रामगढ़ वाले कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। हाँ बोल राजू। अरे अंकल घर पे ही है, लेकिन तू टेंशन मत ले, मैं दरवाजे के ही खड़ा हूँ। जैसे वो तेरे श्याम सुंदर चक्की वाले आएंगे ना, मैं उन्हें अपनी मीटिंग रूम में ले जाऊंगा और तेरी ऐसी बुराई करूंगा कि तुझे दामाद क्या पड़ोसी भी नहीं बनाएंगे। हाँ बेटा शब्बू, हाँ बेटा मैं राजू से मिलने आऊंगा अभी। हाँ अरे बेटा बहस नहीं शब्बू, बहस नहीं करते। अरे सबसे पहले ये श्याम सुंदर चोपड़ा अपने होने वाले दामाद को देखेगा परखेगा, उसके बाद तेरी बुआ को भेजेगा, समझी। अरे आफ्टर ऑल तेरी बुआ के 300 करोड़ के प्रॉपर्टी का और तेरी जिंदगी का सवाल है। चल रख रख, ओके बाय बाय। तू टेंशन एक मिनट। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते, मैं श्याम सुंदर। आगे आगे आगे, राजू देसाई घर पे है। हाँ जी कहिए जी। नमस्कार। नमस्कार। वो सुधाकर ने भेजा है मुझे राजू के सिलसिले में बात करने के लिए। ओहो अच्छा अच्छा। मैं धीरू भाई झवेरी हूँ। सुधाकर मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है मधुकर जी। मधुकर? कौन मधुकर? मैं तो श्याम सुंदर हूँ। श्याम सुंदर जी? सुधाकर ने कहा था कि मधुकर जी आने वाले। हो सकता है कि कहने सुनने में कोई गलती हो गई होगी। हो सकता है। आइए ना आइए। चलिए। वैसे राजू कहाँ है, दिखाई नहीं देता। राजू वो खांसी की दवाई लाने गया है। खांसी की दवाई? अरे हाँ आजकल मौसम ऐसा चल रहा है कि कोई भी बीमार हो जाए हैं। बात कर रहे हैं आप। श्याम सुंदर जी, राजू जैसा मजबूत नौजवान कि मौसम की वजह से थोड़ी बीमार पड़ने वाला है। वो तो सिगरेट और वो गुटखे की वजह से खांसता रहता रात भर। सिगरेट और गुटखा, ये आदत कब से है उसकी? कब से? बहुत ज्यादा दिन नहीं अंकल जी, एक कोई 15 या 20 साल से उसको ये आदत था, किंतु अंदर से एकदम फिट है, एकदम फिट। अरे श्याम बाबू हाथ में दिया जला के पूरा दुनिया ढूंढ के आएगा ना, तो भी हमारा राजू जैसा सुंदर और सुशील लड़का तुमको ढूंढने से नहीं मिलेगा। उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ उसको कभी कभी थोड़ा टेंशन हो जाता है तो थोड़ा सा शराब पी लेता है। अच्छा अच्छा, शराब भी पीता है वो? थोड़ा सा थोड़ा सा। श्रीमान महोदय, सोमरस पान तो हमारे देवता भी क्या करते थे, उसमें क्या है? ओके। वो इस चीज का आदि नहीं है, कभी जुए में पराजित हो जाता है तो पी लेता है। है? मतलब कि जुआ भी खेलता है वो? हाँ जुआ तो वो खेलता ही है, अब जिंदगी भी तो एक प्रकार का जुआ है। क्या है ना, 5 करोड़ का कर्जा है राजू के सर पर। 5 करोड़ मात्र? अब आप ही बताइए, एक आम आदमी नौकरी करके ईमानदारी से 5 करोड़ रुपए कभी कमा पाएगा? तो बेचारा अपनी तकदीर जो है वो जुए में आजमाता है। 5 करोड़ का कर्जा? श्याम बाबू अभी बात ये है, क्या बोलेगा कि जिस लड़का का हाई सोसाइटी का 12-15 गर्लफ्रेंड होगा, गिफ्ट लेगा देगा तो खर्चा तो हो जाता है, आदमी कंगाल हो जाता है। अभी आप ही बताइए इसमें बेचारा हमारा राजू का क्या दोष? श्रीमान महोदय, यही तो हम आपको समझाने का कब से प्रयत्न कर रहे हैं कि लाखों में एक है हमारा राजू। लाखों में एक का मतलब लाखों बुराइयां हैं, उसमें एक आध अच्छाई होगी जो आज तक मुझे दिखाई नहीं दी। क्या बात कर रहे हैं आप? अरे ये राजू एक नंबर का निकम्मा नालायक छटा बदमाश है, मेरे घर में पड़ा रहता है और मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। क्या? हाँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसकी शादी हो गई तो वो अपनी बीवी को कहाँ रखेगा और क्या खिलाएगा, काम काज तो कुछ करता नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? अरे सिर्फ मैं नहीं, सुधाकर भी यही कहता है। खैर आपको तो पता ही होगा, आप जानते हैं उसे ना? जान लिया जी जान लिया, जितना जानना था उससे कहीं ज्यादा जान लिया हमने। अब पूर्वा जी मुझे तो माफ करें आप प्लीज। तो श्याम बाबू हम लोग ये रिश्ता पक्का समझे?
नाजीना जय जय। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके दोस्त में इतनी अच्छाइयाँ हैं कि बस मेरी बेटी ही उनके काबिल नहीं है। हाँ जय जय। ठीक है, अब जैसी आपकी इच्छा, हमने तो अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। चक्की वाला वही चक्की वाला है ये श्याम सुंदर है। आयुष्वर अफकोर्स बेटा, आयुष्वर क्या कर रहे बेटा? ये अपनी बेटी की शादी राजू से करवाना चाहते हैं। अब राजू तो किसी शब्बू नाम की लड़की से शादी करना चाहता है ना? ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। लेकिन मेरी समझ में सब कुछ आ गया है। आपके इस कंफ्यूजन की वजह से कम ये तो पता चल गया कि राजू एक नालायक लड़का है। चलो अच्छा हुआ मेरी बेटी खड्डे में गिरते गिरते रह गई। अब मैं उस सुधाकर को नहीं छोड़ूंगा। ऐसा नालायक लड़का मेरी बेटी के गले में बांधना चाहता था वो। अब मैं उसे दिखा दूंगा कि मेरा नाम भी श्याम सुंदर चक्की वाला है। संभालिए संभालिए संभालिए, मुझे लगता है मुझे सुधाकर को फोन करना चाहिए। बोल। अरे सुधाकर, तूने तो कहा था कि तू अपने भाई मधुकर को यहाँ भेजने वाला है। या, या, या। तो फिर ये श्याम सुंदर चक्की वाला कहाँ से आ गया? वो पागल वहाँ आ गया है। पागल? मुझे तो वो पागल नहीं लगा। अरे धीरू, तू बहुत भोला है और वो बहुत चालू है। चालू है? लेकिन तुमने तो कहा कि वो पागल है। अरे धीरू, वही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके पागल चालू बने। अरे वो चाहता है कि इसकी मोटी और बदसूरत बेटी की शादी मेरे राजू से हो जाए, मगर मैंने उसे मना कर दिया। तूने मना कर दिया तो फिर वो यहाँ क्यों आ गया? वही तो धीरू, उसे ऐसा लगता है कि वो मेरे राजू को बहला फुसला कर अपनी काली कुनूटी बेटी को मेरे राजू के गले बांध देगा। लेकिन नहीं, मुझे सब कुछ पता है और मैं ऐसा हरगिज होने नहीं दूंगा, क्योंकि राजू ने मुझे सारी बात बता दी है। राजू किसी शब्बो नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है। देख, तू मेरे बेटे की शादी शब्बो नाम की लड़की से ही करवाना, और मेरा भाई मधुकर वहाँ आने वाला है, उससे जरूर मिल लेना। तू फिक्र मत कर, हम सब मिलकर राजू की शादी शब्बू से करवा देंगे। अच्छा, तो सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। वो श्याम सुंदर चक्की वाला वाकई में पागल था। अच्छा। नहीं, राजू इधर इधर। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नौकरी ढूंढी इसके लिए? अपने लिए, अपने लिए, अपने लिए। शादी होने वाली तेरी अपने पैरों पे खड़ा होगा या नहीं, या फिर मेरे घर में मुफ्त की रोटियां ही तोड़ता रहेगा? अपूर्व, समझाओ उसे, समझाओ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। थैंक यू, सॉरी। बात करने की लायक नहीं है, जाने दीजिए। शाम सुंदर को यहाँ से दो दो गए, एक को अंकल ने भगाया, एक को हमने भगाया। दो दो? हाँ, किंतु अपूर्व सवाल ये पैदा होता है कि जो आदमी को हमने कमरा के भीतर में से भगा दिया वो कौन था? जो भी हो उससे हमें क्या, राजू जी का विवाह तो शब्बो जी के साथ ही होने वाला है और शब्बो जी की बुआ जी। और शब्बो का फोन। शब्बो क्या हुआ? अरे जिस श्याम सुंदर के सामने तुमने मेरी बुराई की वो शब्बो का बाप था। आई वांट श्याम सुंदर, आई वांट श्याम सुंदर इमीडिएटली। बेचारा राजू, जाना था जापान, पहुंच गया चीन। है? लड़की चीनी थी? माँ, यह मुहावरा है, भाभी के कहने का मतलब है कि हमारे भाई लोगों को भगाने का था चक्की वाले को, और भगा दिया सबो के पिताजी को। आने वाली शिक्षा? तुझे कैसे पता चला कि मुझे छीकाने वाली थी? आ गई शिक्षा, इनसे कही मतलब राजू जी की शादी होने से पहले ही टूट गई।
कितना लक्की है ना राजू। मेरा मतलब है शादी होने के बाद भी टूटने वाली तो थी ना, तो पहले ही टूट गई। माँ ऐसा नहीं कहते, आखिर राजू अपना ही है ना। हाँ माँ के झुमके में लगे मोती सा, इन सब से कहिए हमें मिलकर राजू जी के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, नहीं। राजू के लिए अच्छी लड़की ढूंढना मतलब रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर है। एकदम भी ऐसा नहीं है। वो कैसा भी हो और लड़की कितनी भी अच्छी हो, अगर इस घर में उसकी शादी की शहनाई बजने वाली है, मुझे नहीं लगता अंकल ये होने देंगे। समधी जी, समधी जी, जी अदाब, प्रवचन का टाइम हो गया है, समधी जी कहाँ हैं? जी वो दुखी है ना। दुखी क्यों? शादी जो टूट गई। कम कैसे? वो आप अपूर्व से पूछिए। हाँ समधी जी, ओहो समधी जी। अंकल क्या हुआ अंकल? अच्छा हुआ अपूर्व तुम आ गए, बचाओ बचाओ। किसे? अरे समधी जी की शादी को बचाओ। क्या हुआ? अरे समधन जी बाहर आई थी, वो कह रही थी कि वो बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि उनकी शादी टूट गई है। अच्छा नहीं 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 अंकल, पिताजी इसलिए नहीं दुखी है, पिताजी इसलिए दुखी है क्योंकि राजू की शादी टूट गई। राजू की वजह से दुखी है? जी। लेकिन सुधाकर ने मुझे फोन करके बताया था कि वो चक्की वाला शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ लेकिन पिताजी को पता नहीं थी ना, तो उन्हें बता देना चाहिए ना कि राजू की शादी जो है वो शब्बू से होने वाली है। मैं समधी जी को राजू की वजह से दुखी नहीं देखना चाहता हूँ। समधी जी आप दुखी मत होइए, राजू की शादी होने वाली है। अंकल आप तैयार हो क्या? ये शादी के लिए? नहीं नहीं प्रवचन के लिए। ओह अच्छा, हाँ हाँ या। हेलो नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। शब्बू के बाबा से बात कर सकता है? हमको आपके घर का एड्रेस चाहिए, हम आपके घर पर बंगाली मिष्टी भेजना चाहता है क्योंकि आपने वो भीषण सुंदर राजू का रिश्ता ठुकरा दिया। अच्छा अब हम ट्राई करेगा। अब तुझे प्रवचन की पड़ी है, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। हाय वान शब्बू, शब्बू। अच्छा तू अंकल को संभाल, मैं तेरी शब्बू को संभालता हूँ। नहीं मतलब मैं शब्बू की बुआ को संभालता हूँ। ठीक है। ज्यादा टेंशन है तो मैं मदद करूँ? नहीं नहीं माँ, अरे तुम कुछ मत करना। एक मिनट, इनफैक्ट इस मुसीबत से हमें सिर्फ माँ बचा सकती है। माँ अपना फोन निकालिए, अपना फोन दे। करेगा? अरे तू दे तो सही। माँ दिखा दो अपना वो BSD का रंग। अब BSD क्या? बांगवाड़ी स्कूल ऑफ ड्रामा। माँ फोन लग गया। हेलो हेलो, सत श्री अकाल जी, शब्बू के बुढ़ा। मेरा मतलब है शब्बू के पापा जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ओए चुप कर, पहले मेरी गल सुन। ओए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं जी कि आपने होल हार राजू का रिश्ता ना कर दिया, वरना हमको तो ऐसा दामाद मिलता ही नहीं। मैं तो कहंदा दामाद ही नहीं, वो तो पटियाला की लस्सी है, पी जाऊं घटाघट। ओ बल्ले 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 बल्ले, थैंक यू जी, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। हेलो माँ, बंगाली। बंगाली तो परे छे, बात कर। लग गया। हेलो हेलो, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। शब्बू के बाबा से बात कर सकता है? हमको आपके घर का एड्रेस चाहिए, हम आपके घर पर बंगाली मिष्टी भेजना चाहता है क्योंकि आपने वो भीषण सुंदर राजू का रिश्ता ठुकरा दिया। अच्छा अब हम ट्राई करेगा, हमारा प्यारा राजू, हमारा हैंडसम हैंडसम राजू, हमारा फंटास्टिक राजू, राजू रे। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो मराठी, अभी मराठी, मराठीचा दणका मोडून टाका, मणका मोडून टाको। हाँ
हेलो कौन है? शब्बो चे वडील बोलता का? नहीं म्हणजे शब्बो के पापा बोलते हाँ, मी तुम्हाला काय सांगते कि तुम्ही ना तुमच्या मध्ये ना ते लोखंड मतलब मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको सोने और लोखंड की कोई फरक ही नहीं है। नहीं म्हणजे मी तुम्हाला काय सांगते कि तुम्ही ना बर केला हाँ मतलब मैं आपको ये बोलती हूँ कि आपने जो किया वो अच्छा ही किया राजू का रिश्ता ठुकरा के अब मेरी सोने जैसी शक्कू को मिलेगा हैंडसम राजू शादी में खाना खाने को आने का हाँ नहीं 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 थैंक यू हाँ परत थैंक यू राजू को ना कह के कहीं मैंने गलती तो नहीं की राजू से शादी करने के लिए इतनी लड़कियों की लाइन लगता है एक बार फिर से जाना पड़ेगा इस बार दीदी को साथ में ले जाता हूँ अब आएगा मजा हाँ। देखना शब्बो का बाप ढूंढता हुआ आएगा तुझे इस घर में अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया उसका फोन आ गया ऊंट का अरे ऊंट का नहीं शब्बो का फोन है बात कर मैं बात नहीं करना अरे तू बात करना अच्छा ठीक है मैं बात करती हूँ मैं करूंगा हेलो हाँ शब्बू क्या सच कह रहे तो ठीक है हम भी तैयार हैं ओके बाय क्या हुआ शब्बू का बाप और उसकी बुआ घर आ रहे हैं दोपहर में क्या बात है वाह माँ वाह क्या निशाना लगाया आपने अच्छा सुन जल्दी जाओ और अंकल करो उन्हें बोल कि कहीं बाहर ना जाए घर पर ही रह जा चल चल वो मानेंगे अरे ईश्वर ने कहा तो वो सब मानेंगे थैंक यू माँ को थैंक यू बोल भाई जल्दी तैयार हो जाओ अंकल को रो किस तरह ईश्वर बनना है ना कितना मजा आया ना कितने दिनों के बाद अलग अलग कैरेक्टर्स करने का मौका मिला राजू बेचारा तो हैंडसम है आप उसे धूल समझते हैं और वो बेचारा धूल का बादल बनकर अकेला ही सफर पर निकल पड़ता है ना कोई सहारा ना घराना ना ही कोई उमंग है उस बेचारे की जिंदगी क्या एक कटी पतंग है झूठ मत बोलो बुजुर्गों ने है फरमाया के धूल का एक बादल अलबेला निकला है सफर पे अकेला चुप चुप देखूं दुनिया का मेला मेरा नाम राजू घराना आना बहती है गंगा वही मेरा धाम मेरा नाम राजू ये राजू कहाँ से आ गया संदी जी जी राजू जिस बेचारे को लग रहा है कि आज उसका घराना अनाम है नहीं नहीं समझी जी आप नाम मत लीजिए उस राजू का उसी की वजह से आज बेचारा सुधाकर इतना बदनाम जी नहीं राजू बेचारा तो हैंडसम है आप उसे धूल समझते हैं और वो बेचारा धूल का बादल बनकर अकेला ही सफर पर निकल पड़ता है ना कोई सहारा ना घराना ना ही कोई उमंग है उस बेचारे की जिंदगी क्या एक कटी पतंग है और समझी जी आपने उसे अकेला छोड़ दिया इस बात से हम बहुत दुखी हैं बहुत दुखी तो मैं क्या करूं तारीफ किसकी राजू की जितनी आप राजू की तारीफ करेंगे हमारा मन उतना ही प्रसन्न होगा माफ कीजिएगा समझी जी उसकी तारीफ करना वो एक झूठी बात है और आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता ठीक है समझी जी हम जानते हैं कि आप उस राजू हैंडसम की मदद नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से उस बेचारे राजू हैंडसम का घर भी नहीं बस पाएगा इसलिए हमारा मन बहुत दुखी है हमारा हृदय रो रहा है मत रोइए समझिए आप दुखी मत होइए प्लीज कीजिए तारीफ बेतारीफ कीजिए समझिए कीजिए नहीं तो नहीं हो रहा है मुझसे फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए मैं कोशिश करूंगा ठीक है समझी जी कोशिश अवश्य करिएगा क्योंकि कोशिशें ही कामयाब होती हैं बस आज दोपहर को जिससे राजू
बेचारा हैंडसम शादी करना चाहता है, उसके पिताजी और बुआ जी यहाँ घर पे आने वाले हैं, बस आप चंद तारीफों के साथ तैयार रहिएगा। जैसी आपकी तारीफ, मेरा मतलब है जैसी आपकी आज्ञा। जी समझी जी जी, अरे मुस्कुराइए मुस्कुराइए समझी जी, और क्षमा कर दीजिए उस राजू हैंडसम को, मुस्कुराने से दिल का मैल दूर हो जाता है। वाह वेरी गुड समझी जी, अब तो मेरी शादी शब्दों से होके ही रहेगी। यार आप चारों में से राजू की चाचा कौन है जिनसे मुझे मिलना है? ए राजू पुत्र,